मेरा नाम प्रदीप सिंह है और मैं हरियाणा के सोनीपत ज़िले से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग शंभूदयाल मॉडर्न स्कूल सोनीपत से की है और मैंने बीटेक करा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में विक्रम मुथली यूनिवर्सिटी से। ओके, तैयारी की रणनीति के बारे में आप जानना चाहते हैं। देखिए, तैयारी की रणनीति के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि तीनों जो फेस रहते हैं हमारी तैयारी में, जैसे कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों ही एक डिफरेंट फेजेस हैं और तीनों ही एक अलग तरह की स्ट्रेटजी डिमांड करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप तीनों पे अलग अलग तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना के चलिए और उसी तरीके से उसके हिसाब से अपनी तैयारी को मॉडिफाइड करिए, इम्प्रूवमेंट करिए। जी देखिए, पिछले वर्ष की तुलना में मुझे लगा कि कई चीज़ों में मेरी वीकनेस थी, कुछ खामियां थी। मैंने कोशिश करी कि मैं उन खामियों को दूर करूं और उन वीकनेसेस को पूरा करने की कोशिश करूं। कुछ सब्जेक्ट्स में जिसमें जहां पे मेरे मार्क्स कम रह गए थे, तो मैंने कोशिश करी कि मैं वहां पे थोड़ा इम्प्रूव करूँ और होपफुली शायद इस बार मैं अच्छा कर पाऊँ। जी देखिए, जो भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं या फिर इसकी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, देखो मैं यही एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आप हमेशा अपने आप को अपने अंदर एक जज्बा बनाकर रखिए, मोटिवेट रखिए अपने आप को, और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन आप उसके उनका सामना करिए। और जैसे आप उनका अगर जज्बे से और डिटर्मिनेशन से उनका सामना करते हैं तो आपको रास्ते भी के सामने निकल आएंगे। तो मेनली जो फोकस रहेगा आपका वो पेशेंस और परसिवरेंस पे रहना चाहिए। ये लोक प्रशासन के लिए देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा नहीं करा है इस ऑप्शनल में, तो इस बार होपफुली शायद अभी मार्क्स नहीं पता चले हैं लेकिन शायद अच्छे ही रहे होंगे, इस बार रिजल्ट अच्छा रहा होगा। और लोक प्रशासन की रणनीति के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमें करंट अफेयर्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है, महत्व रहता है, तो हम करंट अफेयर्स में को इसमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो हमें करंट के साथ ही लोक प्रशासन की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, मैंने स्टार्टिंग करी थी कोचिंग से जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी 2015 में, बट पिछले 4-5 साल से मैं सेल्फ स्टडी ही कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने कोचिंग नहीं। जी देखिए, इससे ये एग्ज़ाम बिल्कुल एक अनसर्टेन एग्ज़ाम है, अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। कोई भी एस्पिरेंट इसमें ये नहीं कह सकता कि मेरा सर्टेनिटी से इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं, तो इसमें आगे निकलने का और पीछे रहने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम सब एक एग्ज़ाम एक प्रोसेस का हिस्सा है, ये प्रोसेस हमें बहुत कुछ सिखाता है, और सिर्फ सिलेक्शन होना या आपकी रैंक आ जाना ही सिर्फ इस चीज़ को डिफाइन नहीं करता कि आप आगे निकल गए हैं या पीछे रह गए हैं। मुझे लगता है हर एक इंसान को अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानना चाहिए और उन्हीं के हिसाब से अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। जी देखिए, मेरी ये सोच है कि एक युवा जो वर्ग है हमारे देश का, हमारे समाज का, वो एक जोश और उमंग से भरा हुआ एक वर्ग होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा होती है। मुझे लगता है कि अगर हम अपने यूथ को, अपने युवा वर्ग को अच्छी दिशा प्रदान कर सकते हैं या प्रदान करते हैं, तो हमारे समाज और हमारे देश का विकास होता है, वो अच्छी विकास की तरफ जाता है। तो मुझे लगता है कि सरकार, समाज और हम सबको मिलकर ऐसे कदम उठाने चाहिए कि हम अपने युवा वर्ग के ऊर्जा को अच्छे कामों में लगा सकें और उन्हें नशे और इस तरह की किसी भी दुर्व्यसनों से बचा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।